हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया हमने गंधक पोटास तो ले लिया है, लेकिन इनको मिलाए कैसे, कैसे हम इनको दोनों को पीसे। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि आपको गंधक पोटास कैसे तो पीसना है और कैसे इन दोनों को आपको मिक्स करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पोटास कुछ इस तरीके का होता है और इसमें छोटे छोटे दाने से टाइप होते हैं। ये आपको पिसवा भी मार्केट से मिल सकता है और आपको डले वाला भी मिल सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं गंधक कुछ इस टाइप का होता है, ये बिल्कुल जमा हुआ आता है पत्थर के टाइप का। दोस्तों, आपके यहाँ पर भी ये पिसवा भी मिल सकता है और ऐसे पत्थर टाइप का भी। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि आप लोगों को कैसे कैसे बेचना है। दोस्तों, ये मैंने 50 ग्राम लिया है, दोनों ही 50-50 ग्राम है। ये मुझे 30 रुपये का मार्केट से मिला है, दोनों 50 मतलब यानी कि 100 ग्राम। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसे गंधक को पीस लेता हूँ। आपको मिक्सी के एक छोटे से जार में ले लेना है, आपको सिर्फ एक समय पर एक को ही पीसना है। तो मैंने इसे थोड़ा सा और फोड़ लिया था जिससे कि आसानी से पीस जाए। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही आसानी से पीस लिया है और मैंने कुछ इस तरीके का इसका पाउडर बना लिया है, जैसे कि मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक करके मैंने इसे अच्छी प्रकार से पीस लिया है। तो इसकी थिकनेस भी आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में, मैं इसे भी हाथ में लेकर आपको दिखा दूंगा। तो देख सकते हैं कुछ इतना बारीक मैंने इसे पीसा है। तो अब बारी आती है दोस्तों इसको क्या कहें, पोटास को पीसने की। तो पोटास भी हमें मिक्सी में बिल्कुल नहीं पीसना है, पोटास तो ये हमारा आसानी से किसी गोल चीज़ की मदद से ही पीस जाएगा। आप लकड़ी का बेलन भी ले सकते हैं, किसी पेपर पे रख के से अच्छे प्रकार से पीस लेना है। तो मैं से एक छोटे से पाइप के टुकड़े की मदद से अच्छी प्रकार से दबा दबा के पीस लूँगा। तो चलिए, मैं से फटाफट से पीस लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी प्रकार से पीस लिया है और इसको भी मैंने अच्छी प्रकार से बारीक कर लिया है। दोस्तों, आपको इसमें बिल्कुल भी डले नहीं छोड़ने हैं, इसे बहुत ही अच्छी प्रकार से पीस लेना है। अब बारी आती है दोस्तों हमें इन्हें मिक्स करने की। तो सबसे पहले आपको कोई भी प्लास्टिक की चम्मच ले लेनी है, छोटी या बड़ी। तो आपको कोई भी मेटल या लोहे या स्टील की चम्मच नहीं लेनी है। तो देख सकते हैं मैंने इसे एक चम्मच इसमें पोटास ले लिया है और एक चम्मच ही मैं इसमें लूँगा। बिल्कुल बराबर मात्रा आप दोनों की इनको रखनी है। दोनों को ही बराबर मात्रा में आप रखोगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। तो देख सकते हैं मैंने गंधक की भी एक चम्मच ले ली है। अब बारी आती है ना दोनों को अच्छी प्रकार से मिक्स करने की। तो इन्हें आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से मिक्स करना है, इनमें बिल्कुल भी डले नहीं छोड़ना है, वरना ये हमारी अच्छी प्रकार से काम नहीं करेगा। जब तक हमारा इसमें पोटास अच्छी प्रकार से नहीं मिल जाता, उसका कलर भी बिल्कुल पीला नहीं हो जाता, तब तक हम इसे अच्छी प्रकार से मिलाते रहेंगे। तो चलिए, मैं इसे फटाफट से मिला लेता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे प्रकार से मिला लिया है। अभी हमारा बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। आप दोस्तों बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे यूज कर सकते हैं और इसका साउंड भी बहुत ही अच्छा है। तो मेरे पास कोई साधन नहीं था तो मैं इसे चेक करके ज़रूर दिखाता।